सिर्फ अपने परिवार की खातिरदारी करने के लिए। और ये रही सुरेश की किताब जो कि यहाँ पे चिपकी हुई है, चलो इसे पढ़ते हैं। सुरेश के दिन कैसे थे। एक दिन सुरेश एक दिन लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी सिस्टर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। और जिसके बाद सुरेश देखता है उसकी बहन बहुत ज़्यादा भूखी है, इस वजह से सुरेश आता है और वो चिकन को पकड़ने की एक तरकीब लगाता है और वहाँ पर एक जाल बिछाता है। और जैसे ही वहाँ पर एक मुर्गी आती है वो जाल खींच कर सुरेश उस मुर्गी को वहाँ पर पका कर बनाने लगता है एक कुक्ड चिकन अपनी बहन के लिए। और जिसके बाद वहाँ पर वो कुक्ड चिकन बना लेता है और अपनी बहन को जाकर देता है, लेकिन उसकी बहन बीमार थी, इस वजह से सुरेश बहुत ज़्यादा उदास था और वो जाकर अपनी बहन के बगल में बैठ जाता है। तभी उसकी बहन उसे मारकर बाहर भगा देती है और वो कहती, मैं बीमार हूँ, तुम भी बीमार हो सकते हो। और जिसके बाद सुरेश को बाहर आकर ज़मीन पर लेटना पड़ता है और उसी टाइम एक सुअर आकर सुरेश को परेशान करता है। तभी वो सुरेश को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करता है और उसकी बहन घर से गायब होती है। सुरेश है कि समुंदर पर कोई डूब रहा है और उसकी बहन चाहती है कि वो उसे बचा ले, और वो और कोई नहीं था, सुरेश की बहन का पुराना भाई था। सुरेश और सुरेश की बहन का सतेला भाई मर चुका था। सुरेश घर आता है, चिकन देता है, तब उसकी सिस्टर के पास जब जाता है तब उसे पता चलता है सिस्टर को डॉक्टर की जरूरत है। और वो जैसे ही डॉक्टर को बताता है तभी डॉक्टर इंसुलिन देते हैं और बताते हैं पैसे लाओ तभी दवाई होगी, लेकिन सुरेश के पास पैसे नहीं थे और वो पैसे कमाने के लिए अपने डॉग को देखता है और वो डॉग को ना चाहते हुए भी जाता है सेल करने, लेकिन वहाँ पर एक स्केलेटन आता है और उस डॉग को खरीदता है। सुरेश वहाँ पर रोता है, तभी उसकी बहन ठीक हो जाती है और सुरेश मेहनत से काम करने लगता है। सुरेश की बहन उसे पानी देती है और जिसके बाद सुरेश की बहन को काफ़ी भूख लग रही थी, इसलिए सुरेश हंटिंग के लिए जब जाता है तब वहाँ पर उसे एक सांड आकर पछिया। सुरेश वहाँ पर बच कर हंटिंग कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उसको एक बी खा जाती है और उसके अंदर जाकर वो उसके मुँह को काट लेती है। सुरेश सीधा घर जाता है और उसकी बहन पूछती है खाने के बारे में, तभी सुरेश बताता है उसके मुंह में बी काट ली है। और सुरेश जाता है जब एप्पल खरीदने, तभी वहाँ पर एक आ जाता है मकोड़ा और वो मकोड़े को पकाकर खा जाता है। तभी सुरेश की सिस्टर का पेट फूल जाता है और तभी सुरेश जाता है सीधा फॉरेन डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाता है और तभी सुरेश देखता है कि वहाँ पर उसका एक छोटा सा बेबी आ चुका है, लेकिन वो बेबी वहाँ पर 5 साल बाद जब बड़ा हो जाता है तब वो सुरेश के साथ रहता था, सुरेश के साथ खाता पीता था। अभी टिल्लू देखता है उसके पापा के पास एक भी पैसे नहीं है, तभी वहाँ पर टिल्लू उदास हो जाता है और वहाँ पर कुछ अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी एंड एक अमीर आदमी वहाँ पर सुरेश का मजाक उड़ाता है और उसके बेटे टिल्लू का भी, और वो वहाँ से चला जाता है। तब टिल्लू वहाँ पर जमीन में पड़ा हुआ, तभी सुरेश स्कूल जाता है और टिल्लू के पापा उस अमीर आदमी को जाकर बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं और वो अमीर आदमी बदले की खुराक में अपने घर जाता है। और जिसके बाद वहाँ पर सुरेश के घर में एक भी पैसा ना होने की वजह से सुरेश लकड़ियाँ काटने लगता है और वहाँ पर बैठकर वो पैसा कमाने लगता है। और जिसके बाद वो पैसों से खाना खरीदता है और अपनी सिस्टर को जाकर खिला देता है। और जिसके बाद एक दिन सुरेश के घर में डकैत आने लगते हैं और वो डकैत सुरेश के घर के एक डॉग को अजीब सी हड्डी देता है और वो अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है वहाँ पर स्केलेटन था और वहाँ पर काफ़ी सोना भी रखा था। तभी वो सोने को चुरा लेता है। वो चोर उनके घर में एक लकड़ी पर जैसे ही कदम रखता है वैसे ही सुरेश देख लेता है वहाँ पर चोरी हो रही है। और तभी वहाँ पर अंदर सोया हुआ स्केलेटन देखता है कि एक बाहर जॉम्बी नाम का सुरेश उसके डायमंड को छेड़ रहा है और वो पुलिस को कॉल लगा देता है। और जिसके बाद सुरेश के पीछे पुलिस पड़ जाती है और बेचारे सुरेश को जेल में डाल दिया जाता है। तब सुरेश को पुलिस बहुत ज़्यादा वहाँ मारती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है और टिल्लू अपने घर जाता है, लेकिन उसके वहाँ पर डैड नहीं आए हुए थे। और उसके टीचर जब पूछते हैं वहाँ पर उसके कोई डैड नहीं आते, इस वजह से वो अकेले ही घर जाता है हीरो ब्राइन के साथ। और जिसके बाद हीरो ब्राइन उसे खाना खिलाते हैं और वो जब घर पहुँचता है तब वो अपनी मॉम को देखता है। सुरेश उदास हो जाता है। तभी वो चोर उन अमीर आदमियों के घर जाता है और वो इशारा करता है उस अमीर आदमी को, तभी वो अपने बेटे को टीवी बंद करके भेज देता है। और वो पूछता है, वो चोर बताता है जब वो चोरी कर रहा होता है तभी वहाँ पर सुरेश आ जाता है और सुरेश बहुत ही तंग करता है और उसे चोरी करने नहीं देता। और जिसके बाद वो अमीर आदमी उसे और सोना खिला देता है और जिसके बाद वो चोर वहाँ से चला जाता है। और वो अमीर आदमी डायरेक्ट चला जाता है पुलिस स्टेशन और वो जैसे ही देखता है सुरेश को वो काफ़ी खुश होता है और हंसता है और उसके मुँह में थूक कर डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। और पुलिस ऑफिसर जैसे ही उसे एक सोने के बटन देते हैं, पुलिस ऑफिसर सुरेश के पास जाता है और इलेक्ट्रिक बेल्ट लगाता है सुरेश को, और जिसके बाद वो सुरेश को बहुत मारता है और सुरेश की हालत खराब हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक कुत्ता था और कुत्ते का खाना
खाना सुरेश को देखकर बंद कर देता है। और जिसके बाद सुरेश के घर में सिस्टर रो रही थी क्योंकि उनके घर में एक भी खाने का सामान नहीं था और वहाँ पर वो बच्चा भी रो रहा था टिल्लू। और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो बताता है सुरेश किडनैप हो चुका है चोरी के जुर्म में। और जिसके बाद वो झूठ बोलता है घर में। और तभी उनके घर वाले जाते हैं सुरेश को देखने, लेकिन पुलिस वाला जानबूझ के उनके घर में सोना छुपाने की कोशिश करता है। और जिसके बाद वो उनके घर में छुपा देता है गलती से सोना और उसकी सिस्टर को गलत इंजाम लगा देता है कि ये चोरी का सामान है। और जिसके बाद वो सिस्टर काफी ज्यादा रोने लगती है और वो चोरी का सामान वो घर ले जाता है। और जिसके बाद सुरेश जैसे तैसे अपना जीवन जी रहा होता है, तभी वहाँ पर उसके घर वाले आ जाते हैं और टिल्लू आ जाता है। वो पुलिस ऑफिसर चीखने की आवाज सुनता है और अंदर जाता है। तभी पता चलता है कि नीचे लेटा हुआ सुरेश बस मरने वाला है। सुरेश की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी नहीं आ सकते थे उस जेल के अंदर। तब पुलिस के पास टिल्लू रिक्वेस्ट करने लगता है, तब टिल्लू को मार के भगा दिया जाता है। और सुरेश को वो बहुत बुरी तरीके से पुलिस ऑफिसर मारता है और वो उससे सोने की मांग करते हैं। जिसके बाद सुरेश की बहन पैसे मांगने के लिए एक घर आती है, तब वो अमीर लोग उसे मना कर देते हैं। सुरेश की बहन एक विलेजर के पास पहुंचती है और वो विलेजर उसे जॉब देता है वहां पर झाड़ू पोछा लगाने का। और जल्दी जल्दी वो काम करती है और वो सोना लेकर सुरेश की बहन सोचती है वो अब काम कर चुकी है और अब वो जाकर पुलिस वाले को पैसा देगी और वो उसे छोड़ देगा और वो जल्दी से ले जाएगी और सुरेश की जान बचा लेगी। लेकिन वो सपना देख रही थी और फौरन ही वो जैसे ही वो सुरेश के पास जाता है और सुरेश मर जाता है। और जिसके बाद वो डर जाता है क्योंकि सुरेश की सिस्टर वहाँ आ रही होती है और सुरेश की सिस्टर वहाँ बहुत रोती है और उस पुलिस वाले के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद वो सुरेश की डेड बॉडी लेकर घर आती है और वो और उसका बेटा टिल्लू बहुत रोते हैं और सुरेश की समाधि बनाते हैं। और जिसके बाद सुरेश की बहन बहुत ज़्यादा बेहोश होती है और वहाँ पर टिल्लू वाला भी माफ़ी मांगता है अपनी गलती से। और टिल्लू की मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी और इस वजह से वो डॉक्टर को लाता है और इंसुलिन पिलाता है। और जिसके बाद वो डॉक्टर ठीक कर देता है उसकी मॉम को। और जिसके बाद टिल्लू वहाँ पर काम करने लगता है, तभी उसके काम को कोई पसंद नहीं करता और उसे कोई कुछ खरीदता नहीं। तभी वहाँ पर दूसरा भिखारी आता है और टिल्लू को थोड़ा सा खाना देता है। और जिसके बाद टिल्लू उसकी पूजा करके घर जाता है और अपनी मम्मी का पेट भर देता है। और जिसके बाद सुरेश की आत्मा जाग जाती है और सुरेश की आत्मा जाती है उस पुलिस वाले को रात में परेशान करती है और उस पुलिस वाले को आभास हो जाता है कि ये सब सुरेश का किया धरा है। और जिसके बाद वो पुलिस वाला बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है सुरेश से और उसकी पैंट गीली हो जाती है। और जिसके बाद सुरेश वापस से उस समाधि में चला जाता है। और जिसके बाद सुरेश का बेटा टिल्लू आता है, तभी वहाँ पर उसे सेब मिलते हैं और सेब को उठाकर घर चला जाता है। और वहाँ पर उस सुरेश टिल्लू अपनी मॉम को खाना खिलाकर बाहर जाता है, तभी उसके दोस्त उससे स्कूल के लिए पूछते हैं। टिल्लू अपने काम पे आ जाता है और टिल्लू वहाँ पर बैठा रहता है भीख मांगते हुए। और जिसके बाद वो पुलिस वाला टिल्लू के साथ अच्छा काम करता है और वो एक आदमी को कहता है जाकर वो टिल्ली को पैसा दे दे और टिल्लू अपना घर चलाए। और जिसके बाद वाला उस अमीर आदमी के घर जाता है और उस अमीर आदमी के ऊपर हमला बोलता है। तभी वो अमीर आदमी उसे डायमंड का लालच देता है, लेकिन वो अमीर आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उनको बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाता है। और अचानक वहाँ पर उस अमीर आदमी के ऊपर आग लग जाती है और सुरेश पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और सुरेश अपने घर में अपनी मम्मी के साथ आराम से रहने लगता है। गाइस, इससे ये समझ आता है सुरेश बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन उन अमीर आदमियों की वजह से सुरेश को हमेशा दबाया गया और सुरेश हमेशा से अच्छा इंसान था और वो बुरा इंसान था। शुरू शुरू में उस बुरे इंसान के साथ अच्छी चीजें तो हुई, लेकिन हमेशा सच्चाई आगे जाकर जीत जाती है, लाइक सुरेश। सो गाइस, तो यार इसी बात पे तुम लोग एक बार सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो